दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा अपने इतिहास के लेक्चर सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे वैदिक सभ्यता की। ठीक है, हमने इसके पिछले लेक्चर दो चार लेक्चर मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का किया, अब मैं करूँगा वैदिक सभ्यता का लेक्चर आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, उनकी विशेषता देखेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इसका अगर हम डेट की बात करते हैं, कालक्रम की बात करते हैं, इसका कालक्रम है 1500 से 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, तो जैसा कि हमने सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी की सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता हमारा कैसी सभ्यता है, तो ये ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि उसमें नगरीकरण का ज़्यादा हमारा विकास हुआ, लेकिन इसमें देखते हैं ग्रामीण का विकास होगा, इसमें देखें हमारा पशुपालन का विकास होगा। ठीक है, ज़्यादा कृषि का विकास होगा हमारा वैदिक सभ्यता में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम समाज की बात करते हैं तो वो समाज हमारा मातृसत्तात्मक था। ठीक है, लेकिन अगर वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो ये समाज कैसा होगा, पितृसत्तात्मक, मतलब उसका हम देखते हैं तो उल्टा चल रहा है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता में हम किन किन पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इसकी हम बात करते हैं। तो पहले तो हम चर्चा करेंगे कालखंड पे कि वैदिक सभ्यता का कालखंड क्या रहा, समय क्या क्या रहा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उत्पत्ति का। ठीक है, कि वैदिक सभ्यता का उत्पत्ति कैसे हुआ और कौन उत्पत्ति करता कौन थे। ठीक है, किससे ये सभ्यता बसा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्रोत का, कि मतलब सिंधु सॉरी मतलब वैदिक सभ्यता का पता कैसे चलता, इसके बारे में इतना जानकारी आखिरकार हम लोग के पास आया कैसे, इसी चर्चा करेंगे हम लोग स्रोत के अंदर। ठीक है, फिर हम अन्य विशेषताएं देखेंगे, जो वैदिक सभ्यता की विशेषताएं देखेंगे कि इसमें किस तरह के लोग थे। ठीक है, इनका धार्मिक मतलब विशेषताएं के अंदर हमारा धार्मिक आर्थिक जो भी है हमारा इसके अंदर कवर होगा। ठीक है, तो पहले हम कालखंड की बात करते हैं। हमने कालखंड के बारे में पहले लिख दिया 1500 बीसी से 600 बीसी। ठीक है, तो हम इसके कालखंड की बात करते हैं तो ये दो भाग में बंटता है। पहला हमारा ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, या तो इसको हम बोल सकते हैं पूर्व वैदिक काल। ठीक है, मतलब वैदिक सभ्यता का स्टार्टिंग जो पीरियड है उसको ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और इसकी हम अगर डेट की बात करते हैं तो ये 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, ठीक है, कालखंड की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको भी मिटा देते हैं। अब कालखंड में देखते हैं, फिर इसके बाद हमारा आएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ऋग वैदिक के बाद वाला समय को हम लोग बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। और इसकी हम अगर डेट की बात करते हैं तो 1000 बीसी से 6000 बीसी तक। ठीक है, ये दो हम पार्ट में देखेंगे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, दोनों के अलग अलग विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। इस समय का समाज क्या था, इस समय की धार्मिक नीतियां क्या थी। ठीक है, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो कालखंड में इतना ही देखना था, फिर अब हम चर्चा करते हैं उत्पत्ति की। हम लोग चर्चा करते हैं उत्पत्ति की ओर। ठीक है, उत्पत्ति की ओर चर्चा करते हैं तो पहले हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्तिकर्ता में कौन है और वो कहां से आए थे, ये देखें। क्योंकि ठीक है, तो हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में पहले आर्च के बारे में। ठीक है, आर्च के बारे में देखते हैं और फिर देखेंगे इनका निवास स्थान। ठीक है, ये दो चीज देखेंगे कि निवास स्थान कहां था। तो निवास स्थान के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे अनेक विद्वानों का अनेक मत था, किन्हीं लोगों का कहना था कि हमारा यहाँ से आए ये मतलब आर्य यहाँ से आए थे, किन्हीं लोगों का कहना था कि आर्य वहाँ से आए थे। ठीक है, तो हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कौन किनका क्या मत रहा और मैप के माध्यम से देखेंगे। तो पहले हम आर्य की बात करते हैं कि आर्य क्या है। आर्य को बहुत सारे लोगों ने आर्य के बारे में बोला कि एक प्रजाति या नस्ल की बात किया है, तो हम बता रहे हैं आपको कि आर्य न नस्ल है न प्रजाति है। ठीक है, आर्य जो है हमारा नस्ल और प्रजाति नहीं है, आर्य एक शब्द है और ये भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक शब्द। ठीक है,
आज जो हमारा भाषा सूचक शब्द है और जो जो भाषा सूचक शब्द है संस्कृत का वर्ड है हमारा आज, तो आज का मतलब क्या होता है अगर हम देखेंगे तो आज का मतलब होता है श्रेष्ठ, महान, कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ, महान, कुलीन। और हमारे बात इसी करते हैं, चर्चा करते हैं, इसका मतलब हो जाएगा हमारा सज्जन, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं इलाइट ग्रुप, मतलब उच्च वर्ग का जो हमारा उच्च वर्ग हो गया इसको हम बोलते हैं आर्ज। ठीक है, तो इसके बाद हम चर्चा कर ली, अब हम देखते हैं आर्ज के बारे में। ठीक है, तो हमारा ऋग्वेद, ऋग्वेद हमारा इधर लिख देते हैं। ठीक है, ऋग्वेद जो है हमारा, हम वेद की चर्चा किए थे लेकिन इसमें थोड़ा डिटेल में वेद की चर्चा करेंगे हर वेद के बारे में। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में आर्ज शब्द का हमारा 36 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद का उल्लेख, ऋग्वेद में आर्ज शब्द का उल्लेख 36 बार किया गया है। ठीक है, तो हम आइए हम चर्चा करते हैं इसके निवास स्थल की बात करते हैं कि निवास स्थल कहाँ था और किन किन मतलब हमारे जो भी विद्वान हुए उनका मत क्या क्या। ठीक है, और अगर हम देखते हैं आर्ज में तो आर्ज शब्द के सबसे प्रथम बार उपयोग कौन किया थे, सर्वप्रथम बार आर्ज शब्द की जो अगर उपयोग किया गया, प्रयोग किया गया है आर्ज शब्द का, ठीक है, तो 1853 में मैक्स मुलर। ये हो सकता है सवाल पूछ दे कि आर्ज शब्द का उपयोग करने वाले प्रथम कौन थे, तो हमारा आंसर होगा मैक्स मुलर 1853 ईस्वी में। तो आर्ज के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए कि ये नस्ल प्रजाति नहीं है बल्कि ये भाषा सूचक शब्द है और इसका मतलब श्रेष्ठ, महान, कुलीन, सज्जन, इलाइट हो गया, मतलब इलाइट ग्रुप। ठीक है, तो अभिजात भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक अभिजात वर्ग। ठीक है, तो ऋग्वेद में इसका उल्लेख कितना बार किया गया, तो 36 बार, मतलब 36 बार ऋग्वेद में उल्लेख। ये भी शब्द एग्जाम में हमारा पूछता है कि ऋग्वेद में कितना बार उल्लेख किया गया, तो 36 बार। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्ज के निवास स्थल की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, अगर निवास स्थल की बात करेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे कश्मीर, हम पहले देखेंगे कि कौन वैज्ञानिक मतलब बोला है कि कश्मीर व हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि जो आर्ज हैं वो कश्मीर व हिमालय क्षेत्र में रहते थे और उसके बाद भारत में मतलब हमारे जो भी जिसमें गंगा यमुना द्वाब जो वैदिक सभ्यता का जो हमारा विकास हुआ तो बोला जाता है कि वहां से आया और यहाँ पे आके बसे। तो इन किन का बोलना है, ये बोलना हमारा एल डी कलर साहब का बोलना है कि कश्मीर व हिमालय क्षेत्र से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सब, ठीक है, हम एक करके चर्चा भी करेंगे कि कहाँ पे ये है, कहाँ पे ये है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सप्त संधम का तो इसका है अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद। ठीक है, तो दो अविनाश चंद और संपूर्णानंद दोनों के अंतिम में नद लगा, इसलिए हम याद कर सकते इससे कि सप्त सैंधव हमारा अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद का कहना है कि आज हमारा सप्त सैंधव से आए थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ब्रह्मर्षि प्रदेश, ठीक है किन लोगों का बोलना है कि आज हमारा ब्रह्म ऋषि प्रदेश से आया था, इसकी अगर बात करते हैं कि किनका कहना था, गंगानाथ झा का। ठीक है, और एक हमारा लास्ट बच गया, हमारा मध्य देश। ठीक है, मध्य प्रदेश नहीं। तो ये हमारा कहना था राजबली। ठीक है, तो निवास स्थल की बात करते हैं, भारत के अंदर
किन किन विद्वानों का मत था कि भारत के अंदर ये स्थलों के बारे में बताया गया, और कुछ विद्वानों का कहना है कि भारत के बाहर भी था, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए इसके पहले हम मैप पे देख लेते हैं, ठीक है, मैप पे देख लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। देखते हैं कि कश्मीर ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था हमारा कश्मीर का क्षेत्र था और हिमालय का क्षेत्र था, ये किसका बना था? एलडी कलर। एलडी कलर साहब का बोलना था कि आज हमारे कहां से आए थे, तो कश्मीर और हिमालय के क्षेत्र से, ठीक है। अगर आप बात करते हैं सप्तसंध, मतलब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो हमारा एरिया, उसको बोलते हैं सप्तसंध, ठीक है, इसको बोलते हैं सप्त सैंधव, ठीक है। तो सब सैंधव किसका बोलना था? सब सैंधव बोलना था अविनाश चंद और संपूर्णानंद, ये बोलना था अविनाश चंद और संपूर्णानंद, दोनों का बोलना था कि अविनाश चंद और संपूर्णानंद का बोलना था कि आज सब सैंधव से आए थे। अगर हम बात करते हैं कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश किसको बोले, इसकी हम चर्चा करते हैं, तो ये जो गंगा जमुना का जो दोहा हुआ, गंगा जमुना नदियों के बीच वाला एरिया, हरियाणा ये सबको मिला के जो गंगा जमुना दोहा हुआ, ये इसको हम बोलते हैं ब्रह्म ऋषि प्रदेश, ठीक है। किनका बोलना था? गंगानाथ झाका, ठीक है, गंगानाथ झाका। अब हमारा लास्ट में एक और बच गया, ये हमारा हो गया, ठीक है। लास्ट में कौन बच गया हमारा? मध्य देश। तो मध्य देश की अगर बात करते हैं तो ये हमारा हिमालय और ये हमारा बिंद जो विंध्याचल श्रेणी है और हिमाचल जो हिमालय श्रेणी है, जो इसके बीच में जो एरिया हुआ, ठीक है, उसको हम बोले मध्य देश, यहाँ पे आएगा, ठीक है, मध्य देश। तो ये किनका बोलना था मध्य देश में? ये बोलना था हमारा राजबली पांडे का। तो हमने मैप से देख लिया कि भारत के अंदर किन किन विद्वानों का मत क्या था, ये हम देख लिए। अगर हम बात करते हैं भारत के बाहर अगर हम देखते हैं आर्य के निवास स्थान के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारा पामीर का पठार है, ठीक है, जो पामीर का पठार यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और आगे तक विस्तृत है। तो अगर हम पामीर की पठार की बात करते हैं, इन लोग को बोलना था कि पामीर के पठार से हमारा आर्य आया है, तो बोलना था हमारे ओल्डेनबर्ग की, ठीक है, ओल्डेनबर्ग और किक साहब का बोलना था कि आज हमारे पामीर से आए हैं। और हम बात करते हैं तो एक और थे हमारे एडवर्ड मेयर, ओल्डेनबर्ग की और एडवर्ड मेयर का बोलना था कि आज हमारे, और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो तिब्बत से बोलना था कि बहुत सारे विद्वानों का बोलना था कि तिब्बत से भी आए हैं, इसमें हमारे विद्वान का नाम आता है दयानंद सरस्वती, ठीक है, और हमारे परजीटर महोदय, ठीक है। दयानंद सरस्वती और परजीटर महोदय का बोलना है कि आज हमारे तिब्बत से आए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि एक और हमारे थे नेहरिक महोदय का बोलना है कि आज हमारे दक्षिण रूस से आए हैं, रूस यहाँ पे है, ठीक है, तो ऊपर वाला उत्तरी रूस और नीचे वाला दक्षिण रूस, तो दक्षिण रूस की बात करेंगे, इस एरिया में दक्षिण रूस होगा, ठीक है, तो दक्षिणी रूस में किनका बोलना था? दक्षिणी रूस में बोलना था नेहरिक साहब का। और जो सबसे सर्वाधिक मान्य है उसकी अगर हम बात करते हैं तो मैक्स मुलर साहब का, जो बोलते हैं कि आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ है। मध्य एशिया की बात करेंगे तो एशिया के बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे मध्य एशिया, जो कि इस क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो मध्य एशिया से जब हम बात करेंगे इस क्षेत्र में, तो मध्य एशिया में हमारे कौन बोले? मैक्स मुलर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड में मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ, ये विचार इनका था हमारे मैक्स मुलर।
तो जो भी हमारा महत्वपूर्ण था उसकी हम चर्चा कर ली है कि आर्यों का आगमन कहाँ कहाँ से हुआ, इसकी चर्चा कर ली है। और अगर कुछ छूट गया होगा तो उसको हम अपने पीडीएफ में डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारा उत्पत्ति में, हमने निवास स्थान की चर्चा भी कर लिया, आर्यों के बारे में भी देख लिया, अब हम चर्चा करेंगे स्रोत के बारे में कि हमें ऋग वैदिक सभ्यता सॉरी वैदिक सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलता है, कौन से स्रोत से, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, हम जब स्रोत की बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का जानकारी कहाँ से मिलता है, तो हम दो तरह की चीज की बात करेंगे। हर चीज में हम दो तरह की चीज की बात करते हैं, एक हमारा साहित्यिक स्रोत हो गया, एक हमारा पुरातात्विक स्रोत हो गया, ठीक है। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, तात्विक स्रोत में, ठीक है। मतलब पुरातात्विक स्रोत की हम बात कर सकते हैं, तो मैंने पुरातात्विक स्रोत में बताया था कि कौन कौन चीज आता है, चाहे तो सिक्के हो जाएंगे, अभिलेख हो जाएंगे, मौर्य हो जाएंगे, ये हमारे पुरातात्विक स्रोत के अंदर आता है। और साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे बुक जो भी उसमें लिखे गए उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो हम अगर पुरातात्विक स्रोत की बात करते हैं तो इस समय हमको एक अभिलेख से पता चलेगा, अरे हमारा मित्रभान से पता चलेगा, जबकि हमको पता है कि हमारा वैदिक सभ्यता आद ऐतिहासिक काल का था, तो हमें पता है कि इस समय जो भी कुछ अगर मिला होगा तो उसको हम पढ़ नहीं पाए। मैंने बताया था कि आद ऐतिहासिक काल उस चीज को हम देखते हैं जिस समय के लोगों को लेखन कला का ज्ञान था, बट जो लिखे वो हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता था, ठीक है। तो ये तो हम बता सकते हैं कि जो अभिलेख हुआ है हमारा वैदिक सभ्यता का अभिलेख नहीं होगा, लेकिन हाँ इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी हमको पता चलेगा, ठीक है। इस समय भले वो उसी डेट का हो लेकिन हमको जानकारी पता चलेगा, ठीक है। तो हम अभिलेख की जब चर्चा करते हैं तो दो अभिलेख है, एक हमारा है बोगज कोई अभिलेख, एक हमारा है कसाइट अभिलेख, ठीक है। अभी हम अभिलेख पे चलते हैं, बोगज कोई अभिलेख और कसाइट अभिलेख। और बोगज कोई अभिलेख को भी हम बोलते हैं, एक और रुचि बोलते हैं एशिया माइनर अभिलेख, ठीक है। एशिया माइनर अभिलेख या बोगज कोई अभिलेख बोले, दोनों एक ही है, और कसाइट अभिलेख। और ये बोगज कोई अभिलेख हमारा है, ये हमारा तुर्की का है और ये हमारा ईरान का है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि बोगज कोई जो अभिलेख हमारा है, एशिया माइनर अभिलेख है तुर्की का, इसमें क्या वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा वर्णन किया गया है दो राजाओं के बीच में संधि किया गया, ठीक है। तो दो राजाएं कौन कौन थे इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो दो राजा थे हमारा, एक राजा हमारा था हित्ती राजा, जया का नाम है हित्ती राजा, उसका नाम था सुबा लिमा, ठीक है। एक हमारा राजा था मितनी राजा, ये जगह का नाम है मितनी राजा, ठीक है। इसका नाम है मत्ती उजा, नाम देख लीजिए कैसे कैसे है। हित्ती राजा, सुबालिमा और मत्ती उजा के दोनों के बीच में संधि हुआ, और दोनों के बीच में संधि हुआ और साक्षी मानकर या कसम दिया गया, किन किन का है, चार देवताओं का दिया गया, इंद्र, मित्र, ये तो एकदम याद ही कर रही है, ठीक है, नास्ते है वरुण, ठीक है। ये चार देवताओं का इसमें कसम खिलाया गया, ठीक है। और आगे क्या है इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि बोगज कोई अभिलेख में है क्या। और ये सब जो हमारा इंद्र मित्र वरुण जो भी हमारा है इसमें, ये सब देवताओं का उल्लेख हमारा ऋग्वेद हमारा है उसमें है। तो हम कह सकते हैं कि जो
जो ये सब जो इंद्र मित्र और वरुण का हमारा जब उल्लेख है तो हम इससे पता चल सकता है कि एक हमारा वैदिक सभ्यता था जब उस समय की, जब ये जो हमारा मगध का अभिलेख है इसके अगर हम अगर डेट की बात करते हैं तो ये हमारा लिखा हुआ गया था 1400 BC में। तो ये सब देवताओं का उल्लेख ऋग वेद में भी है और ये हमारा 1400 BC का है, तो इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में से हमको पता चलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कसाइट अभिलेख, कसाइट अभिलेख में क्या है? ठीक है, तो देखिए कसाइट अभिलेख हमारा है 1600 BC का। इसमें बोला गया है, 1600 BC में बोला गया है कि ईरानी आर्य मतलब जो आर्य लोग ईरान में रहते थे उसको बोला गया ईरानी आर्य। बोला गया कि ईरानी आर्य का एक दल भारत गया। कसाइट अभिलेख जो ईरान का है इसमें बोला गया है ईरानी आर्य का एक दल या एक शाखा भारत गया, कसाइट अभिलेख। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभिलेख का चर्चा तो कर लिए, अगर हम बात करते हैं मित्र भांड का, ठीक है तो इसको मिटाते हैं। ठीक है, मित्र भांड की बात करते हैं तो दो तरह के भिन्न भाग होंगे, एक ऋग वैदिक मतलब ऋग वैद काल में, जो ऋग वैदिक काल जिसकी हम डेट बताए थे आप लोगों को 1500 से 1000 BC, तो ऋग वैदिक काल में जो मित्र भांड का उपयोग हुआ है उसको ऋग वैदिक मित्र भांड बोलेंगे और एक हमारा मित्र भांड हो जाएगा PGW, मतलब हम बोलते हैं इसको चित्रित हिंदी में धूसर मित्र भांड। हम मित्र भांडों के बारे में चर्चा करेंगे कि मित्र भांड कितने प्रकार के थे, ठीक है उसमें बताएंगे। तो एक PGW मित्र भांड होता है, चित्रित धूसर मित्र भांड, पोर्ट्रेट ग्रे, ठीक है वेद, मतलब इसका कहने का मतलब वैसे हम बताए थे आपको मित्र भांड क्या होता है, एक बर्तन, बर्तन बनाया हुआ है मतलब कुछ कंटेनर बोल सकते हैं, कोई भी अन्न रखने के लिए, कोई भी सामान रखने के लिए, तो ये किस टाइप का चित्रित था, ठीक है उसमें चित्रित था और ग्रे कलर का था, उसमें कुछ डिजाइन किया हुआ था, तो उनको बोलते हैं PGW मित्र भांड। ठीक है, और एक वैदिक मित्र भांड हो गया। ठीक है, तो इसमें भी हम उस समय के मित्र भांड से भी कुछ कुछ हमको इतिहास का पता चलता है, वैदिक काल के इतिहास का पता चलता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हमने पुरातात्विक स्रोत की बात कर लिया क्योंकि छोटा था इसलिए मैंने इसको पहले बताया, अब हम जब साहित्य स्रोत की बात करेंगे तो ये बहुत ही बड़ा है, इसको हम सही से दिखती है यहाँ पे, उसके बाद चर्चा करते हैं। ठीक है, साहित्य साहित्यिक स्रोत की बात हम करेंगे तो मैंने क्या पहला बताया, साहित्यिक स्रोत अगर हम जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं ये आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी में इसको हम रखे हैं, तो कहने का मतलब मुझे लिखा गया तो पढ़े नहीं, तो भाई साहित्यिक स्रोत कैसे हम बता देंगे, साहित्यिक स्रोत से कि इसका इतिहास बताएंगे, तो हाँ देखिए जो साहित्यिक स्रोत होगा वो हमारा इस काल में नहीं लिखा होगा। ठीक है, इस काल में हमारा जो भी साहित्यिक स्रोत से हमको पता चलता है वो इस समय का नहीं है। ठीक है, वैदिक सभ्यता का नहीं है और इस समय का नहीं है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य, इसमें पहले आता हमारा वैदिक साहित्य, ठीक है वैदिक साहित्य आता है। ठीक है, वैदिक साहित्य को हम लोग बोलते हैं श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य या आ पौ रु दे। अब देखिए श्रुति साहित्य का मतलब कहा गया है कि जो वेद हमारा है, जो वेद जो हमारे चार वेद हैं इसकी चर्चा मैंने पहले भी कर चुका हूं, तो श्रुति साहित्य के बारे में बोला गया है कि उसमें लेखन कला का तो ज्ञान था लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, और ऐसे भी हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता के समय में उतने सारे बुक लिखे नहीं गया, बुक लिखा ही नहीं गया, लेकिन श्रुति साहित्य की बात हम इसको क्यों बोले, वैदिक साहित्य को, कहने का मतलब कि लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अगर हम आज जैसे कि अभी हम कुछ हमको इतिहास पता हमने अपने अगले जनरेशन को बताया, वो जनरेशन ने अगले जनरेशन को बताया, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बातों का मतलब आगे आदान प्रदान होते गया और फिर आगे जाके, ठीक है आगे जाके
ये कोई भी जैसे कि हमारा वेद व्यास है, आया हमारे वेद व्यास ने ये सब चीजों का संकलन किया, एक कंपाइल किया, संकलन किया और फिर लिखा वेद। इसलिए हम लोग वेद व्यास को, वेद व्यास को बोलते हैं हम लोग क्या, वेदों का संकलन करता, वेदों का रचयिता नहीं, क्योंकि वेद क्या, वेद एक हमारा लिखा, सुन सुन के लिखा गया, ठीक है, ये नहीं कि वेद उसमें लिखा गया, वेद हमारा सुन सुन के उसमें से अच्छे चीजों को संकलन किया गया, इसलिए हम लोग वेद व्यास को बोलते हैं वेदों का संकलन करता, ठीक है। अपौरुदेय मतलब कहने का मतलब ये मनुष्य द्वारा नहीं किया गया, वैसा बोला जाता है कि भगवान द्वारा बोला गया है हमारा, ठीक है, देवताओं द्वारा बोला गया है, उसी चीज को संकलन किया गया, इसलिए बोला गया अपौरुदेय, पौरुषों द्वारा नहीं दिया गया, ठीक है, मतलब अपौरुदेय मतलब पुरुष द्वारा नहीं दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, तो भगवान द्वारा। तो वैदिक साहित्य की हम चर्चा करते हैं, जिसको स्तुति साहित्य बोलते हैं, अपौरुदेय बोलते हैं, ठीक है, कभी अगर आ जाए कि वैदिक साहित्य को कौन कौन से नामों जानते हैं, जिसमें कंफ्यूज होना नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वैदिक साहित्य में क्या क्या आएगा, तो वैदिक साहित्य में हमारे चार चीजें आएंगे, एक आएगा वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ठीक है, वेद हमारे चार है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और अभी हम इसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, मैंने वेद के बारे में बताया कि वेद के संकलन करता कौन है, महर्षि वेद व्यास, ठीक है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, हम एक एक करके देखते हैं सबके बारे में, ठीक है, अभी ओवरव्यू करते हैं फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम वेद की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम वेद की बात करते हैं तो वेद हमारे चार हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद बात, ऋग्वेद हम जो पढ़ते हैं तो ऋग्वेद से हमें ऋग्वेदिक काल, जो पूर्व वैदिक काल जिसके बारे में बताए थे, इसके इसमें हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है, ऋग्वेदिक काल है, जो इसलिए हम इसको ऋग्वेद नाम दिए क्योंकि इसके ऋग्वेदिक काल का ही जानकारी है। बाकी आगे वाले जितने भी तीनों वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारे में हम लोगों को उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को बोला गया है वैद्य, ठीक है, ये तीनों को बोला गया है वैद्य त्रयी, ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाएगा कि वैद्य त्रयी इनमें से कौन नहीं है, तो हमारा कौन नहीं होगा, हमारा अथर्ववेद वैद्य त्रयी नहीं है। क्यों, अब वैद्य त्रयी इसलिए बोला गया है वैद्य त्रयी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद ये सब में मंत्र उच्चारण है, ठीक है, ये सब में हमारा जितने भी ये तीनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, देवताओं का वर्णन है, ठीक है, लेकिन अथर्ववेद में एकदम जादू टोना, प्रायश्चित, वशीकरण, ये सब अलग है, मतलब ये तीनों से भिन्न है, इसलिए हम उसको बोले वेद त्रयी, त्रयी मतलब तीन, तो तीन वेद में, वेद त्रयी में कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और सबसे पुराना अगर बात करेंगे तो कौन हमारा आ जाएगा, ऋग्वेद, ठीक है, इसको मिलाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ब्राह्मण क्या होगा, ठीक है, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, देखिए जब वेद के बाद हम देखेंगे, जब वेद संकलन किया गया तो वेद में संस्कृत के शब्द थे, संस्कृत के श्लोक थे, ठीक है, एक छंद में लिखा गया था, तो आम जनता, जो आम जो जनमानस है, उसको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कठिनाई हुआ, तो ब्राह्मण उसी को बोलते हैं, ब्राह्मण मतलब वेद को कन्वर्ट किया गया एकदम सरल भाषा में, सुबोध भाषा में, ठीक है, सरल, सुबोध या आसान भाषाओं में इसको, हमारे वेद को शॉर्ट किया गया, ठीक है, मतलब वेद को ही हम लोग कन्वर्ट किए सरल सुबोध आसान भाषा में, उसी को हम लोग बोले ब्राह्मण। तो हम हर वेद का अलग अलग ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं वह भी बता रहा हूँ, आगे चल के मैं सबको डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अरण्यक के बारे में। अब देखिए अरण्यक मतलब, वैसे भी अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल, तो ये अरण्यक है जो जंगल में लिखा गया, इसको इसलिए बोलते हैं अरण्यक। और अरण्यक में क्या हमारा है, तो अरण्यक में हमारा क्या है, तो अरण्यक की बात करें इसमें दार्शनिक है और रसवाद है, दार्शनिक चीजों के बारे में, फिलोसफी इसको बोले, दार्शनिक व रहस्यवाद, रहस्यवाद। अगर आगे एग्जाम में कि दार्शनिक व रहस्यवादी चीजों का संकलन या रहस्यवादी चीजों का
विवरण किस चीज में है, तो हमारा अरण्यक में, ठीक है, कहाँ है, अरण्यक में। हम देखते हैं उपनिषद क्या है, ठीक है, उपनिषद की बात करते हैं, तो उपनिषद दो शब्दों से बना है हमारा, उप और निस। उप का मतलब होता है समी और निस का मतलब होता है बैठना। उप का मतलब होता है समीप और निस का मतलब हो बैठना। उस समय मतलब समीप बैठ के, गुरु के समीप में बैठ के ब्रह्म आत्मा परमात्मा ये तीनों के जो भी और हैं, ब्रह्म आत्मा परमात्मा के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जाने, और दार्शनिक सिद्धांत के बारे में इसके बारे में लिखा गया है हमारा उपनिषद में। तो उपनिषद भी हमारा एक दार्शनिक, हमारा दार्शनिक ग्रंथ है, दार्शनिक चीजों के बारे में हमको बताएगा, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत के बारे में। तो उपनिषद में हमारा क्या है, ब्रह्म आत्मा परमात्मा ये सब के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में उपनिषद में। वेद की बात करते हैं तो वेद चार है, मैंने चार वेद के बारे में बताया, फिर मैं बाद में सब सारा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। ब्राह्मण की बात करते हैं तो जो भी हमारा वेद था वो थोड़ा डिफिकल्ट भाषा में था, हमारा संस्कृत भाषा में था और छंद में था, तो लोगों को पढ़ने में थोड़ा कठिनाई हुआ, तो उसको कन्वर्ट किया गया, उसको सरल भाषा में, सुबोध भाषा में या आसान भाषा में उसको गद्य के रूप में, गद्य के रूप में लिखा गया, तो उसको बोलेंगे ब्राह्मण। तो चारों वेद का एक एक ब्राह्मण होगा, हम उसकी चर्चा भी करेंगे। अरण्यक बोला गया, जंगल में लिखा गया दार्शनिक वर्णवादी चीजों पे, तो दार्शनिक चीज के बारे में अरण्यक बताता है, और उपनिषद भी हमारा दार्शनिक चीजों के बारे में बताता है। तो अब हमने एक एक करके सारे चीज को देख लिया, अब हम अगले अपने लेक्चर में बात करेंगे, पहले से बता के दूसरे लेक्चर में बात करेंगे हमारे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए अच्छा लगे तो, और वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स बनाते जाएं, आपको फ़ायदा करेगा। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा, मुझे उसे गुजारिश करता हूँ कि वो पिछले भी सारे लेक्चर को देखें, उसके बाद ये लेक्चर में हाथ लगाएं। ऐसा नहीं कि सीधे वैदिक सभ्यता से हाथ लगाएंगे, तो जब हम आदित्यास्य काल की बात करें, समझ में आए कि आदित्यास्य काल होता क्या है, तो मुझे गुजारिश है कि सारे एक एक लेक्चर को ध्यान से देखें, तो आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। फिर मैं अब अगले लेक्चर में मिलूंगा आप लोगों को वैदिक सभ्यता का पार्ट टू में, उसमें मैंने बताया कि क्या चर्चा करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।